सैलरी के लिए बोला था। सर ऐसे नहीं होता है, मैंने जॉब करी है वहाँ पे, मैम बोल रही है आप करोगे, आप बोल रहे हो मैम करेंगी, और कभी तुम बोल रहे हो कि वहाँ ऑफिस जाओ। सर मैं पागल थोड़ी ना हूँ। सर किस चीज़ का लेटर? आपने मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिया था कि रिजाइन लेटर मांग रहे हो मेरे से? सर मेरे को नहीं पता, आप बात करो, आप मुझे मेरी सैलरी करवाओ, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, मेरी फैमिली मुझसे पूछ रही है। प्रॉब्लम है आपको क्या प्रॉब्लम बताओ? मेरी है प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरी, आपको क्या बताऊँ मैं? अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। अरे मैंने ना जॉब करी थी ये पेपर जींस में सीपी में, अब वहाँ पे सर अब फ़ोन नहीं उठा रहे, कभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैम सैलरी देगी, कभी बोल रहे सर देंगे। कोई ऐसा इशू भी नहीं था, मतलब मैंने सिर्फ एक ऑफ क्या करा था, मेरे को फीवर था, मेरे को नींद आ गई, मेरी आँख नहीं खुल पाई, मेरा फ़ोन हो गया स्विच, रीज़न मत दो, हो गया वो हो गया। क्या किसी की तबीयत ख़राब नहीं हो सकती? इंसान 12-12 घंटे जॉब कर रहा है, तुम एक भी ऑफ नहीं दे रहे हो। जब हम ऑफ मांग रहे हैं तो मतलब बोल रहे हो कि आज नहीं कल, तुम अपनी तरफ से ऑफ दे रहे हो और सामने से मांगो ऑफ नहीं दे रहे। 4 बजे जो मेरी मैम थी उन्होंने मुझे ग्रुप से लेफ्ट कर दिया। अब ग्रुप से लेफ्ट करने का मतलब क्या होता है? मुझे जॉब से निकाल दिया ना उन्होंने। अब मैंने मैम को फ़ोन करा, मैम आप मतलब आपने ऐसे ऐसे, तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही, मेरे को कह रही है सवारियाँ नहीं उठा पाती हैं, ये बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी ना 12-12 घंटे काम कर रही हूँ, खाना तक भी उठा देते हैं वो। सुबह का लंच मैं 7-7 बजे कर रही हूँ और मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद कुछ नहीं है। उनको टारगेट चाहिए होता था, उनका टारगेट अचीव हो गया और फिर वो ऐसे इम्प्लॉय को निकाल देते और सैलरी नहीं देते। उससे पहले भी इन्होंने एक लड़का निकाला था। मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता कि आप अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरीके से निभा नहीं पा रही हैं। सर मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, क्या इंसान थकेगा नहीं? मशीन थोड़ी ना हूँ मैं कितना काम करूँगी? मैंने कोई ऐसे ऑफ नहीं लिया था जिस तरीके से उन्होंने मेरे को निकाल दिया। आपको पता है सेल्स की जॉब में अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो ही आप रहते हो। सर मैं टारगेट अचीव किया था मैंने अपना, मैंने उनको 10 दिन के अंदर 1.5 लाख की सेल दी थी, 10 दिन के अंदर, और फिर मेरे को नेक्स्ट मंथ का 12 का मिला था। अब मेरे को पूरे 1 महीने की सैलरी है, वो कोई 2 या 4 दिन। कितने पैसे हैं आपके? 16,500 रुपये। कम है, मैं अपना किराया लगा के आ रही हूँ जा रही हूँ, मेरे घर में मैं हूँ और मेरा एक भाई है जॉब करने वाला, मम्मी हाउस वाइफ है, पापा है नहीं। मेरी मम्मी पूछ रही है सैलरी का, मैं क्या जवाब दूँ? मेरे को भी तो रिप्लाई देना होता है ना घर के। आप जिम्मेवार नहीं है इसलिए आपको बाहर निकाल दिया गया। अपनी मैम ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने मुझे निकाला था। जॉब आपको चाहिए मैम को? सर जरूरत किसको थी? मेरे को थी, अगर तो वो तो सर प्रॉब्लम थी ना मेरी, प्रॉब्लम मैटर ही नहीं करती ना यार, प्रॉब्लम कैसे मैटर करेगी? ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब इंसान मर गया तो मतलब कैसे स्टोर पे विजिट कर लेगा। मेरे को भी बहुत ज्यादा फीवर था, नहीं आप देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी भी रही होगी। सर कोई प्रॉब्लम, आप किसी के ऊपर अगर देखिए उंगली उठाती है ना, 1 महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिली मेरे को, तो मैं मशीन हूँ क्या? तो आपको नहीं जाना चाहिए ना, चूरों का काम करेंगी आप, ईंटा ढोएंगी, आप पैंट बेचेंगी शर्ट बेचेंगी, तो आपको काम करना पड़ेगा। मेरे पैसे नहीं दिए ना, मैंने बहुत मेहनत करी है सर वहाँ पे, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना मैं फिर कंप्लेंट करूंगी उनके खिलाफ। उससे क्या हो जाएगा? मेरे पैसे मिलेंगे। पेपर जींस 8,000 करोड़ का ब्रांड है, तुम्हारे जैसे कंप्लेन देने वाले बहुत मिलते होंगे। मेहनत की पैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, रच के मेहनत करी है मैंने वहाँ पे, कंप्लेंट करूंगी ना मेरे पैसे मिलेंगे, मुझे भरोसा है इस चीज पे। और मैं तो कर लीजिए ना कंप्लेन। हाँ तो मैं करूंगी कंप्लेंट, लास्ट ऑप्शन है। जब मैनेजर नहीं सुन रहा, एरिया मैनेजर नहीं सुन रहा, वहाँ की बॉस नहीं सुन रही, फिर तो मैं कंप्लेंट ही करूंगी ना, मैं अपने पैसे थोड़ी ना छोड़ूंगी, मेरी फैमिली भी तो पूछ रही है। मैं सुबह निकली हूँ रात रात 9-9, 10-10, 11-11 बजे घर पे घुसी हूँ मैं अपने। आप कैपेबल हैं, FIR करोगे तो आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, फिर तक मैं आती थी। मजदूरी कर रही हूँ ना, नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं लोग क्या करोगे आप? कर सकती मैं, करना होता तो मैं अपनी 1 महीने की सैलरी 3 महीने थोड़ी ना अटके रहने देता। टूरों के साथ, लेबरों के साथ, सेल्समैन के साथ ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है सिस्टम आपके लिए बैठा है? ऐसे कैसे बोल सकते हो सर? मेरी बातें आपको कड़वी लग रही हैं, लेकिन यही सच्चाई है। वहां पर देखो कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी सैलरी नहीं मिल रही, आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो। मेरे न रिकॉर्ड करने से तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी क्या? गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर गरीब नहीं मिलेगी सैलरी, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। पेपे जींस 8,000 करोड़ का ब्रांड है, आपको क्या लगता है ये FIR करेंगे? पुलिस बैठी है इनका सुनने के लिए।
हमारे यहाँ की पुलिस कैसी है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। रिक्वेस्ट करता हूँ पेपे जींस वालों से, इनकी जो सैलरी है 16,500 रुपए आप लोग दे दो, मार्केट वैल्यू आपकी खराब होगी, ऐसा तो आपको देना पड़ेगा, मेहनत किया है। गरीब ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है, जो ऊपर बैठा है वो नीचे दबा देता है। अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो मैं अपने जेब से दूंगा आपको। थैंक यू सर। सेल्समैन इतना मेहनत करता है, एक कारपेंटर इतना मेहनत करता है, एक मजदूर इतना मेहनत करता है, किसी की मजदूरी तो ना रोकिए। और जिसका कोई नहीं है उसका आपका अपना गोल्डन भैया है, लेकिन मैं सबसे नहीं मिल सकता। उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो देखने के बाद इनका पैसा दे दोगे। एक्शन लिया जा सकता है, लूंगा भी और पैसे मैं आपको दूंगा।